हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरेंद्र और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टेक न्यूज़ जो आपको खुश कर देने वाली है। मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही आसान कर देने वाली जीवन की कुछ टेक न्यूज़ जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। कृपया करके वीडियो पूरी देखें और एंड तक बने रहें। हे गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक एप्सी में। दोस्तों, घर के अंदर और बाहर आपके हाथों को स्पाइडरमैन के हाथों की तरह बनाने के लिए इस वीडियो में ऐसे गैजेट्स हैं जिनके साथ आपके हाथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वाला फील करेंगे और कवर भी हो जाएंगे। साथ ही ऐसे गैजेट्स भी हैं जिनके साथ आप अपनी मल्टीपल डिवाइस को चार्ज कर पाएंगे और सफर में अपनी हर डिवाइस को चार्जिंग दे पाएंगे। तो फिर इन सभी डिवाइसेस को इस वीडियो में एंड तक देखिए और वीडियो के मजे लीजिए। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होगा DJI Osmo 3 से। आमिर खान की 3 इडियट मूवी के फरहान खान की तरह आप भी एक बढ़िया फोटोग्राफर और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, जिसके लिए आप एक बेहतरीन फोटोग्राफी करने वाला गैजेट ढूंढ रहे हैं, तो अब आपको ये गैजेट मिल चुका है जिनके साथ आप 3 गिम्बल एक्सेस वाली फीचर के साथ फोटो कर पाएंगे और हाथों के मूवमेंट के होने के बावजूद भी बिल्कुल स्टेबल तरीके से हर तरह की फोटोग्राफी कर पाएंगे। यह आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होगा और आप इसे एक हाथ में पकड़ इसके बटन को दबाते हुए अपनी फोटोग्राफी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड में भी आप वीडियो को बना सकता है। यह आपके लिए पैनोरामिक फोटोग्राफी फीचर प्रोवाइड करता है जिसके साथ आप डिफरेंट तरह के कई सारे मोड में वीडियो बना सकते हैं और स्टोरी वीडियो भी ले सकते हैं। इसके साथ आप अपने स्मार्टफोन को सीधा भी रख सकते हैं और हॉरिजॉन्टल तरीके से भी रख सकते हैं। यह दोनों तरीके से आपके स्मार्टफोन को स्टेबल रखता है और कैमरे की क्वालिटी का बेहतरीन इस्तेमाल कर लेता है। नंबर 9, नेवडी। कार ड्राइविंग करते वक्त स्मार्टफोन चलाना और उस पर बात करना या फिर टेक्स्ट मैसेज की टाइपिंग करना ड्राइविंग करते वक्त बहुत ही ज्यादा नुकसान वाला हैबिट में आता है और यह हैबिट कभी कभी हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा भी देती है। लेकिन कभी कभी कार चलाते वक्त मोबाइल फोन चलाना मजबूरी हो जाता है या फिर हमें मोबाइल फोन पर रास्ता देखते देखते कार को ड्राइव करना पड़ता है। पर अब आपको मोबाइल फोन इस गैजेट के बाद नहीं चलाना पड़ेगा और मोबाइल फोन के सारे फीचर भी आपको अपनी आंखों के सामने मिल जाएंगे। ये एक ऐसा गैजेट है जिसे आप अपनी कार के स्टेयरिंग के पीछे डैशबोर्ड पर लगा सकते हैं और वह सब कुछ देख सकते हैं जो आपके स्मार्टफोन के साथ आप देखना चाहते हैं। यह आपको रास्ता भी बताएगा और आपके मोबाइल फोन पर आ रहे इनकमिंग कॉल्स की जानकारी भी देगा। आप इसे बिना टच किए अपने कॉल्स को उठाकर उसका जवाब दे पाएंगे। ये अपने साथ गेस्चर कंट्रोल के अलावा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कंट्रोल भी रखता है और इसका ग्लास पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है जिसके आर पार ड्राइविंग करते वक्त आसानी से देखा जा सकता है, जो कार ड्राइविंग में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ग्लास पर पड़ते हुए प्रोजेक्टर की प्रेजेंटेशन के जरिए आप अपने घर वालों की इनकमिंग कॉल्स को उठा पाएंगे और टेक्स्ट मैसेज कर राइटिंग में लिख कर सही से जवाब भी दे पाएंगे और बिल्कुल सही पते पर मैप को देखते हुए इसके साथ सही जगह पर पहुंच जाएंगे। नंबर 8, मूज। अपने इमेजिनेशन के 3D ऑब्जेक्ट्स को सर्च करने के लिए और उन्हें बिल्कुल सही तरीके से प्रिंट करने के लिए आ चुका है यह 3D प्रिंटर जो टेक्स्ट की तरह प्रिंटेड नहीं करता, 3D ऑब्जेक्ट की तरह प्रिंटिंग करता है। इसके साथ आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ प्रिंट करवा सकते हैं, वह भी बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि कई सारे 3D प्रिंटर तो प्रिंटिंग करते हैं पर बल्क साइज के होते हुए प्रिंटिंग सही से प्रोवाइड नहीं कर पाते। अपने लैपटॉप में बहुत कुछ डिजाइन करके इसके साथ प्रिंटिंग करवा सकते हैं और इसकी प्रिंटिंग कलरफुल भी होती और साथ ही इसके साथ आप लेजर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। किसी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट चीज पर भी फ्रेंडली प्रिंटिंग करवा सकते हैं। अगर आपके इमेजिनेशन में नई नई चीजें आती रहती हैं और आप उन्हें रियल में बिल्कुल अपने इमेजिनेशन की तरह बनाना चाहते हैं तो कंप्यूटर में उसका डिजाइन करने के बाद इसमें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ उसे तैयार कर सकते हैं। इसके 3 तरह के डिफरेंट पार्ट है और यह बहुत ही ज्यादा छोटी 3D प्रिंटिंग गैजेट है जो बिल्कुल भी बल्क वेट की नहीं है। नंबर 7, ग्लोवेक्स। हाइकिंग, बाइकिंग और क्लाइंबिंग जैसी आउटडोर एक्टिविटी के लिए आपके हाथों को कवर देने के लिए बनाया गया है रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी पर बनाया गया ग्लव्स, जिसे आप बाइसिकल चलाते हुए, बाइक चलाते हुए आसानी से पहन सकते हैं। मछलियां पकड़ते वक्त नदी के किनारे पर अपने हाथों को सेफ रखने के लिए पहन सकते हैं और खाना बनाते वक्त भी इसे आप आराम से पहन सकते हैं। यह आपके हाथों के लिए प्रोटेक्टिव गार्ड की तरह काम करेगा जो मल्टीपल वर्क करते हैं। आप यूज में ले सकते हैं इन्हें कई दफा क्योंकि यह एक ऐसे मटेरियल का बना हुआ जो सब्जियां काटने वाली छुरी से कटता भी नहीं, हाथों से बार बार फिसलता भी नहीं और पहाड़ों पर चढ़ते हुए हाथ को पहाड़ से पत्थर पर पकड़ने के लिए फिसलने भी नहीं देता। इसका मटेरियल मास्टर ऐप है जो रैप मटेरियल और यह पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। आपके हाथों को पानी से बचाता है, चाहे आप खाना बनाते वक्त हाथ में पानी ले रहे हो या फिर बर्तन धोते वक्त। आउटडोर एक्टिविटीज के लिए भी आप इसका आराम से यूज कर सकते हैं, अपने घर में भी पहन सकते हैं और घर के कई सारे काम आप इसके साथ कर सकते हैं, वह भी अपने हाथ को प्रोटेक्ट करते हुए और बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ।
नंबर सिक्स, फिक्सेट्स। प्लास्टिक से बनी हुई बहुत सी चीज़ों का हम दिन भर में कई जगह पर इस्तेमाल करते हैं, और प्लास्टिक से ही बने हुए हमारे मोबाइल के चार्जर और केबल भी होते हैं जो जरा से खिंच जाने पर टूट जाते हैं और खराब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को फिर से जोर देने के लिए और सही करके देने के लिए आ चुका है इको फ्रेंडली प्लास्टिक, जो एक स्पीक की तरह दिखता है, लेकिन इसे आप गर्म पानी में डालने के बाद एक मोल्डेबल ग्लव की तरह यूज कर सकते हैं और अपनी प्लास्टिक की चीज़ों को जोड़ सकते हैं। प्लास्टिक से बनी हुई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा भी फोर्स लगने पर टूट जाती हैं और बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, पर वैसी टूट जाने वाली चीजों को आप फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और उस पर यह स्टिक लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल कई बार किया जा सकता है और गर्म पानी में डाल देने के बाद यह एक प्लास्टिक मटेरियल में चेंज हो जाता है, जिसे आप प्लास्टिक की किसी भी चीज पर लगा सकते हैं, बच्चों के खिलौनों पर लगा सकते हैं और घर में काम आने वाली चीजों पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी आप इसे लगा सकते हैं। पूरी तरह से ड्राई हो जाने के बाद यह एक हार्ड मटेरियल में चेंज हो जाता है और जिस भी जगह पर इसे लगाया जाता है उसे बिल्कुल फिक्स कर देता है। नंबर फाइव, जैनजुआ। ये एक डॉक्टर है जिसे इस मशीन पर बनाया गया ट्रैवलिंग करने वालों के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग करते वक्त हमें स्मार्ट डिवाइस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और उसी स्मार्ट डिवाइस चार्जिंग के लिए हम अपने पास स्मार्ट डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जर तो रख लेते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग में अलग अलग जगह पर बहुत ही डिफरेंट तरह के आउटपुट मिलते हैं और कभी कभी आउटपुट के ज्यादा हो जाने की वजह से चार्जर खराब हो जाता है और ये स्मार्ट डिवाइस खराब हो जाती है। पर अब ज्यादा आउटपुट की वजह से ये डॉक्टर आपकी किसी भी डिवाइस को खराब नहीं होने देंगे और ना ही उसमें शॉर्ट सर्किट वाली प्रॉब्लम होने देंगे, क्योंकि यह ज्यादा आउटपुट होने पर अपने ही अंदर की सेफ्टी के साथ कवर कर लेता है और ज्यादा आउटपुट को आगे बढ़ाता ही नहीं। इसके साथ दो पिन वाले चार्जर के अलावा 3 पिन वाले चार्जर की भी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप अपने स्मार्ट डिवाइस के साथ चार्जर ही नहीं चाहते तो यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट करके डायरेक्ट अपने किसी भी स्मार्ट डिवाइस को 18 वॉट तक की रैपिड चार्जिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें स्लाइड एंड क्लिक वाला फीचर है, साथ ही यूएसबी पोर्ट भी, जिसके साथ आप एक बार में अपने 5 डिवाइसेस को चार्जिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग अलग तरह के चार्जर और इलेक्ट्रिक स्विच की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नंबर 4, रैप। जिस तरह से स्पाइडरमैन अपने हाथों से जाला निकालता है, उसी तरह से ये डिवाइस भी अपने अंदर से एक ऐसा जाला निकालता है जिसके बाद अच्छा खासा खड़ा हुआ आदमी बंद सा जाता है। इसे आप अक्सर सर्वाइवल गैजेट की तरह अपने पास रख सकते हैं और किसी भी अननेसेसरी कंडीशन में अगर आपको कोई अपने लिए हानिकारक लगता है तो उस पर आप इसे झटके से 650 फीट पर सेकंड की रफ्तार से निकलने वाले जाले के साथ बांध सकते हैं। 10 से 20 फीट दूर खड़े इंसान को यह पूरी तरह से अपने अंदर बांध लेगा और इसकी लंबाई 2.5 मीटर तक की है, जो काफी ज्यादा है। टाइट बांधने के लिए एक बिल्कुल बढ़िया साधन है। अगर आप अपने लिए एक सर्वाइवल गैजेट ढूंढ रहे हैं, वह भी ऐसा गैजेट जिसके साथ आपको किसी भी तरह का नुकसान ना हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आराम से अपने बैग में रख सकते हैं। नंबर 3, स्लैब बोतल ओपनर। सिक्के उंगलियों से उछाल पर बोतल में डालने की आपने कई बार कोशिश की होगी, लेकिन वह उंगलियों से हल्का सा भी हिल जाते हैं तो बोतल तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन ये एक ऐसा बोतल ओपनर है जिसके साथ आप स्लिप एंड गो कर सकते हैं, वह भी बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट वाले तरीके से। यह बोतल ओपनर लाइट वेट है और मजबूत बॉडी फ्रेम वाला है, जिसके साथ आप किसी भी तरह के टाइट तरीके से लगे हुए ड्रिंक के ढक्कन को खोल सकते हैं और वह भी एक बार में। इसके अलावा आप इसके एक साइड पर सिक्का रख सकते हैं और दूसरे साइड से इसे हल्की सी मार देकर सिक्के को छोटे छोटे ग्लास में पहुंचा सकते हैं। इसे किसी भी तरह के सरफेस पर रखा जा सकता है और प्लास्टिक के ढक्कन के अलावा अलग अलग तरीके के मटेरियल के ढक्कन से खोला भी जा सकता है। नंबर 2, टच जेट वेव। स्मार्ट डिवाइस की टच स्क्रीन की तरह अगर आप एक बढ़िया सी स्क्रीन चलाना चाहते हैं तो इस गैजेट के साथ आप अपने घर में लगी हुई नॉर्मल एलईडी स्क्रीन को एक टच स्क्रीन वाली डिवाइस बना सकते हैं। वैसे तो टच स्क्रीन वाला फीचर रखने के लिए डिवाइस बहुत ही ज्यादा महंगे आते हैं और बहुत ही ज्यादा नाजुक भी, लेकिन ये बिल्कुल भी नाजुक नहीं है और आप इसका इंस्टॉलेशन टीवी के बीचों बीच साइड पर कर सकते हैं, जिसके बाद इसके प्रोजेक्शन के जरिए आपको मिलेगी टच स्क्रीन वाला फीचर। आपकी बड़ी सी एलईडी स्क्रीन के साथ अपनी टीवी स्क्रीन पर आप टच करके चैनल को बदल सकते हैं और कई तरह के एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी करते हुए नए फीचर्स यूज कर सकते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप टच करके चैनल को बदल सकते हैं और कई तरह के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए नए फीचर्स यूज कर सकते हैं। अपने ऑफिस में अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को सही से देखने के लिए या दिखाने के लिए इस तरह की बड़ी टच स्क्रीन लगाना चाहते हैं तो आप टच स्क्रीन की जगह पर यह डिवाइस लगा दीजिए और अपने प्रेजेंटेशन को बेहद शानदार और अट्रैक्टिव बना दीजिए। नंबर 1, वैले। मिलिट्री ग्रेड कार और ड्रोन को बनाने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया डिवाइस आपकी उंगलियों को बहुत सारा कंट्रोल दे देगा और आप जिस तरह से अपने स्मार्टफोन पर या स्मार्ट डिवाइस पर उंगलियां चलाकर उसे कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके से बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर पाएगा। यह सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है और यह हर तरह की सरफेस को आपके लिए एक टच स्क्रीन वाला सरफेस बना देगा, जिस पर उंगलियां चलाकर कई सारे टेक्स्ट बनाकर आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने स्मार्टफोन को निकाल नहीं पाते और अपने पॉकेट से कंट्रोल नहीं कर पाते बहुत सारी चीजों को, लेकिन अगर आप इसे अपने साथ रखते हैं तो लेटे लेटे या बैठे बैठे अपने टीवी चैनल को बदल सकते हैं और उसे बंद कर सकते हैं और चैनल के वॉल्यूम को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं।
और यह घर के स्मार्ट डिवाइस से आपकी कनेक्टिविटी रखेगा और बहुत ही ज्यादा कंपैक्टेबल साइज का है। और इसके अलावा यह जेस्चर कंट्रोलर भी अपने साथ रखेगा और अपने हाथ की हथेलियों को मूवमेंट देकर इनकमिंग कॉल को हम उठा भी सकते हैं और चीजों को कट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इतने सारे गैजेट्स में से कौन से गैजेट्स को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें नई नई जानकारियों लेने के लिए। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरी वीडियो पूरा देखा। लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी बने, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।